राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सीनियर लीडर सचिन पायलट विवाद में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की एंट्री हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा सचिन पायलट के बारे में बोले कि वे राजस्थान का बड़ा चेहरा है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही तय करें कि राजस्थान में गद्दार कौन है। गृह मंत्री ने बातों ही बातों में सीएम गहलोत पर भी हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान राजस्थान में मचे घमासान को लेकर उन्होंने गहलोत को घेरा और पायलट का समर्थन किया। ऐसे में एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विवाद के बहाने पायलट को अपने तरफ खींच सकते हैं और मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए 2 दिन पहले कहा था कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं। जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। इसकी लो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा के बयान से कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान विवाद को लेकर गृह मंत्री ने कहा, राहुल गांधी को तय करना है कि गद्दार कौन है, गहलोत तय नहीं कर सकते। जिसके पिता राजेश पायलट पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित हैं, जिनके बेटे सचिन पायलट भी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उन्होंने ऐसे सार्वजनिक गद्दार कहना ठीक नहीं है। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में किसने बगावत की, गद्दार कौन है, सबने देखा। चुनाव में सोनिया को जिसने आंखें दिखा दी वो, या जिन्होंने गहलोत को आंखें दिखाई वो, यह तो राहुल बाबा ही तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। यात्रा के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को राजस्थान के नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ कई किलोमीटर चले। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अब तो ये राहुल गांधी जी को तय करना है कि गद्दार कौन है। गहलोत जी तो तय कर नहीं सकते, जिसके पिता आदरणीय राजेश पायलट जी पूरे जीवन समर्पित कांग्रेस को रहे, जिसका बेटा सचिन पायलट जी भी आज तक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनको ऐसे सार्वजनिक गद्दार कहना। जबकि अभी सोनिया जी ने जब अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कहा तो किसने बगावत की, गद्दार कौन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जिन्होंने सोनिया जी को आंखें दिखा दी वो, या जिन्होंने गहलोत जी को दिखाई वो, ये तो तय अब राहुल बाबा ही करेंगे मध्य प्रदेश। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।